बिटिए बिजेटिए हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। बिजेटिए आप लोग बिजेटिए हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम इसे लेने आए हैं। बिजेटिए घबराइए मत, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। हमें आपसे बात करनी है, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम इसे लेने आए हैं। क्या करें इसके सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। माफी मांगते हैं हम आप लोगों से। अरे क्या गलती थी हमारी, हाँ क्या गलती थी, यही कि हम न्याय का साथ दिए या यही कि हम हमारे संविधान पर विश्वास किए। अरे आप ही लोगों ने तो कहा था ना कि इस वर्दी के लिए घर परिवार सभी का बलिदान करना पड़ता है, सच्चाई के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हमने किया ना, आप लोगों ने कहा कि सब दुख सुख सब कुछ दांव में रखना पड़ता है, हमने सब कुछ दांव में रखा। यहाँ तक कि हम हंसना भूल गए, तो क्या हम गलत थे, हम गलत थे या जो आप लोगों ने कहा था वो सब कुछ यूं ही था। अरे मजाक किया गया था क्या हमारे साथ, या जो आप लोगों ने कहा था वो सब कुछ गलत था। अगर जो आप लोगों ने कहा था सब कुछ सही था तो हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये रामी अंसार जैसा गुंडा आप लोगों के बीच में क्या कर रहा है। क्योंकि हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि इस घटिया आदमी के घटियापन से आप वाकिफ नहीं हो। हो सकता है मैं गलत हूं, माफ कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, लेकिन एक बात तो मैं जरूर जानता हूं कि इस हरामी को समझने में हमसे कोई भूल नहीं हुई है। जाने कौन सा दानव बना रहा है यहां पर, कुछ तो खतरनाक होने वाला है यहां पर। अंधे हैं आप लोग, अगर आप लोगों को दिखाई नहीं देता है तो अंधे हैं आप लोग। और ये एक सच साला शूल की तरह हमारे अंदर बैठा हुआ है, इतने अंदर की साला हमारा जिस्म खून से खाली हो गया है। अब हमारे अंदर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं रहे हम। आप लोग नेता है आप लोग, और जो बाहर है वो आपसे बहुत आशा करते हैं। हमारी आपसे विनती है कि कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, सुनते हैं आप लोग, कुछ कीजिए। जिस कुर्सी के लिए आप लोग लड़ाई कर रहे हैं वो सला एक कुर्सी लकड़ी का है और हमारे पास के इंसान। अरे झाकिए अपने अंदर, झाकिए और हटाइए शैतान को अपने अंदर से, अपने समाज से, अपने देश से। नहीं तो ये अंसार जैसा गुंडा बार 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 हमारे बीच में पैदा होगा और हमारे साथ चूतिया।